उत्तर प्रदेश ना हाथरस की घटना ने लेने जूनागढ़ ना वंथली तालुका में राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच ना भाजपा आगेवानोए मोटी संख्या में एकत्रित थईने डॉक्टर आंबेडकर चौक थी मामलतदार कचेरी सुधी शहर ना मुख्य मार्ग पर रेली काढ़ी आवेदन पत्र पाठव्यु हतुं। उत्तर प्रदेश हाथरस जिला की अनुसूचित जाति की दीकरी पर नराधमो द्वारा सामूहिक बलात्कार कर करोड़रज्जू तोड़ी जीभ कापी लेवानी जी घटना बनी है त्यारे समग्र भारत में आ घटना घेरा प्रत्याघात पड़ा है। गुजरात में पण आज तमाम जिला कक्षाए तेमज तालुका कक्षाए आवेदन पत्रों आपी विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्यो छे। आ घटना में पोलिस तंत्र द्वारा पीड़िता की लाश ने परिवार की गैरहाजरी में अग्निसंस्कार कर आपवामां आव्यो हतो अने पीड़ित परिवार ने स्थानिक तंत्र द्वारा कनडगत करवामां आवती होय त्यारे समग्र भारतना लोको अने मीडिया में रोष भभूकी उठ्यो छे। त्यारे जूनागढ़ जिल्लाना वंथली तालुका में राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचना भाजपना आगेवानोए मोटी संख्या में एकत्रित थई डॉक्टर आंबेडकर चौक थी मामलतदार कचेरी सुधी शहर ना मुख्य मार्ग पर रेली काढ़ी आवेदन पत्र पाठव्यु हतुं। तेमज मामलतदार कचेरी खाते भाजप सरकार मुर्दाबाद जीवा उग्र सूत्रोच्चार करी विरोध नोंधाव्यो हतो। आज रोज वंथली मुकामे राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच ना माध्यम थी आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। उत्तर प्रदेश ना हाथरस गाम नी अंदर जे दलित समाज नी दीकरी मनीषाबेन उपर गेंगरेप थयो छे એની જીભ કાપી નાખવામાં આવી છે। દવાખાના અંદર એડમિટ હતા, ફ્લેટ લેવામાં ન આવી અને મોડેથી ફરિયાદ લઈ પછી એને ડેડ બોડીનો કબજો એના માતા પિતાને કોઈને સોંપવામાં ન આવ્યો અને રાત્રે 3 વાગ્યાની પર અગ્નિસંસ્કાર કરી નાખવામાં આવ્યો છે। તો જે અધિકારીઓ એવું કૃત્ય કર્યું છે એના તાત્કાલિક એની સામે કડક કાર્યવાહી કરે અને જે આરોપીઓ હતા એને કડકમાં કડક સજા થાય અને આરોપીની સજા થાય અને આરોપીને ફાંસીની સજા થાય તેના અનુસંધાને અમે આજે આવેદન પત્ર આપ્યું છે। જય ભીમ, જય ભારત। વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ।